ये बात मिंग साम्राज्य की है, जब डोंगलिंग शाही दरबार में हार गया था, क्यू चाऊ और जी ने हाथ मिला लिया था और डोंगलिंग को बेदखल कर दिया था। उसके बाद तीनों पार्टियों ने शपथ ली कि पूर्वी डेपो में राजनीतिक स्थिरता को कायम करेंगे। इसे किन्नरों का शाप कहते हैं। जैसे ही सब शांत हो गया, वो तीनों पार्टियों ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। वो शाही सैनिक जिनका काम था राजा को सुरक्षित रखना, वो भी लोगों का कत्ल करने में शामिल हो गए। उसके बाद शाही सेना के सेनापति ल्यू पिजोंग ने डोंगलिंग के महाराज का आदेश सुना था और सारे शाही सैनिकों को पार्टियां बदलने से मना कर दिया। मिस्टर ल्यू भागिए। उसके इस निर्णय ने परिवार को तबाह कर दिया। वो जल्लाद भारी संख्या में है। उनके मुखिया का नाम है काको डेमोन। मैं उस वक्त 4 साल का था और वो 8 साल का। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम ये पेंटिंग्स मत देखो। बताओ, आखिर तुम लोगों को चाहिए क्या है? येनकेन, क्या तुम्हें जरा भी होश नहीं है? हाँ, तुम्हें पता भी है कितने लोग मारे जाएंगे अगर ये पेंटिंग्स देख ली। पकड़ लो इसे। जी। मैं नहीं आऊंगा। मुझे तुम लोगों के पैतरे पता हैं। ये उस दिन की बात है, कमिश्नर यांग लियान के सर पे हथौड़ा मारा था, मुझे अभी भी याद है। महाराज ताइजू ने शाही सैनिकों को इस काम को अंजाम देने के लिए कहा था, लेकिन अब महाराज मिंग 200 साल से हमारे साथ हैं और अब तुम लोगों की वजह से सब लोग खत्म हो जाएंगे। मैं कमिश्नर यांग की तरह असहनशील नहीं हूं, लेकिन मैं अपने राज्य को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे महाराज, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। मिस्टर लीन, मिस्टर लीन, तो अब क्या करें? इन पेंटिंग्स को वापस ले जाओ। जी।
मिस्टर लिन, मिस्टर लिन। चलो। मिस्टर लिन, मिस्टर लिन। सेनापति लू, ये पिछले महीने के कुछ खर्चे हैं। मैंने खुद इसकी जांच पड़ताल की है, कृपया आप भी इसे देख लीजिए। चैनयान, तुमने मामला तो सुलझाया ही नहीं है, लेकिन तुमने चालाकी से अपनी किस्मत बदल ली है। महाराज ताइजू ने 15वें साल में शाही सैनिकों की फौज खड़ी कर दी है, लेकिन अब ये विभाग तुम्हारे इशारों पर चलता है। क्या अभी भी उम्मीद है? आपने सही कहा सेनापति लू, इसलिए तो मैं आप पर निर्भर हूं, मेरी तरक्की के लिए। सेनापति लू, कैप्टन चैन। चैनयून जी, और ये खाता बुक खाता विभाग पहुंचा दूंगा। आपका शुक्रिया। वैसे सेनापति ही व्यूंग का बेटा कैसा है? वो कहाँ है? हाँ, उसे भंडारघर विभाग का प्रमुख बना दिया गया है, जैसे आपने कहा था। आप चिंता ना करें, मैं आपको सारी जानकारी देता रहूंगा। बेशक, वो तो तुम दोगे ही, लेकिन तुम्हें तुम्हारे आदमियों को सूचना देनी होगी। उन्हें उनकी जगह पता होनी चाहिए। जी। वो सिर्फ एक लेफ्टिनेंट है, हीलू काफी ज्यादा अलग है। अगर तुमने उसे तंग किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बचा नहीं पाऊंगा। मैं समझ गया, समझ गया। आपका सफर अच्छा रहे। कैप्टन। हाँ बताओ, क्या कह रहे थे? कैप्टन चैन, धोखेबाजों के सबूत जो लिन हाउस में मिले हैं, उनकी जांच चल रही है। वो राजनीतिक बदलाव को अपनी कलाकारी में उतारते हैं। ये मामला खत्म करो। कैप्टन, साल खत्म होने वाला है। मेरी सेना एक बड़ा मामला सुलझा रही है ताकि हमें तरक्की का मौका मिले अगले साल होने वाली परीक्षा में। तो फिर महाराज ये कैसा रहेगा? मैं युआन चोंगवान को वापस बुलाकर तुमको न्यूरहात संभालने दूं? कैप्टन, मैं तो बस यिंगक्विन, अगर तुम लेफ्टिनेंट नहीं रहना चाहते तो क्या मैं तुम्हें महल के धोबी विभाग में प्रमुख बना दूं? कैप्टन, हम आपका नाम सारे कागजात पर लगाते हैं, हम लोग सारा श्रेय आपको देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात सुनो इनक्विन, साल के अंत में अगर कप्तान की जगह खाली होगी तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। क्या लगता है तुम्हें? मैं पूरी मेहनत और लगन से ये करूंगा। यह आसान है। अगर कप्तान की जगह खाली होती है तो वो सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि अभी के कप्तान को सेनापति बना दे। सवाल ये उठता है, अभी का सेनापति कहाँ है? वो मुझे नहीं पता। मैं बताता हूं, हमारे सेनापति लू मर गए हैं। कैप्टन, ये तो तुम्हारी हिम्मत। ठीक है, भूल जाओ इस बात को। तुम शहर कब आए? हमारे गांव में तो अकाल पड़ गया था, सारे हट्ठे कट्ठे लोग तो सेना में भर्ती हो गए। मैं शाही सैनिक बन गया क्योंकि तुमने मेरी सिफारिश की। वैसे क्विन, क्या तुम्हें पता है काकोडिमन कौन है? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर तुम कप्तान बन गए तो ये मामला तुम जल्दी सुलझा पाओगे। क्विन, ये कौन है? देखो जरा। मैं ढूंढूंगा काकोडेमन को, बदला लेना तुम्हारे बस का नहीं। ये लो पैसे।
अभी के लिए घर जाओ। क्वीन, यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर पल रहूंगा। मैंने कहा ना, घर चले जाओ। मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करूंगा, वादा करता हूं। मिलता हूं। आओ। तो आज तुम्हारे काम का पहला दिन है, और नियमों के हिसाब से एक वकील जिसे 3 साल से ज्यादा अनुभव नहीं है वो भंडार घर में नहीं आ सकता। तुम दोनों। जी मास्टर। जी मास्टर। इसे ले जाकर दिखाओ। जी। हे। हाँ। इसे काम काज बताओ। समझ गया, आपका शुक्रिया। सब जाके इसे चेक करो। जी। वो मामले की फाइल कहाँ है जिसमें लियू के परिवार की तबाही के बारे में लिखा है? यहाँ रुको। हाँ। ये क्या मामला है? ये तो तुमने फाइल जलाई क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। अभी तो तुमने कहा। हाँ, उल्टा जवाब मत दो। वो मैं नहीं था। उल्टा जवाब देते हो। घुसपैठियो। तुम कौन हो? यहां घुसने की हिम्मत कैसे हुई? अरे, ये तो बहुत कमाल का है। तुम भंडार घर में घुस के आए हो। यहाँ पर आओ। सेनापति, सेनापति, क्या आप ठीक है? उठिए, पकड़ो उसे। हाँ हाँ। मिस सिंह, जो शाही कपड़ा यहाँ आएगा मैं आपके पास ले आऊंगा, आप उनमें से चुन लेना। शुक्रिया क्यूआन। अरे कोई बात नहीं, सुनो, ठीक से घर जाना। तुम यहाँ क्या हुआ मिस सिंह?
इस तरफ जल्दी घेर लो। मिस जिंग, लेफ्टिनेंट ही अभी एक घुसपैठिया आया था भंडार घर के अंदर, हम उसी का पीछा कर रहे थे, क्या आपने देखा? नहीं देखा। नहीं देखा? लेफ्टिनेंट ही, क्या आप मेरी सवारी तलाशेंगे? बिल्कुल नहीं, मुझे केवल तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है और कुछ नहीं। मैं अभी सवारी से उतरी हूँ, फिर भी आपको तलाशनी है? क्या आप मेरे पिताजी को ये बताना चाहते हैं कि मैं मुजरिम को बचा रही हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। आजकल काफी ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं और मुझे डर है कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। खैर वो यहाँ पर नहीं है, तुम लोग यहाँ पर देख लो चारों ओर। जी साहब। वैसे बहुत देर हो रही है और तुम इस वक्त बाहर हो, मैं कुछ कर भी नहीं सकता तुम्हारे लिए। वैसे आपको जाना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। चलो, मैंने कहा चलो, आओ सब लोग। मिस सिंह। लू, कहाँ थे तुम? थोड़ा वक्त चाहिए था। ठीक है, जल्दी चलो। जी। मिस जियांग, मिस जियांग, अरे तुम कर क्या रहे हो? अरे नीचे रखो तुम इसे। समझ क्या हो खुद को? ए पीछे हटो रे। मुझे क्या बता? समझ क्या रखा मुझे? अरे पीछे हटो, मैं कह रहा हूं मैं मार दूंगा, पीछे हटो। रुक जाओ, पीछे क्या कर रहे हो? लगाना वैसे भी यहां क्या हो रहा है? तुम आ गए, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बड़े अधिकारी ने लिन का मामला हमें सौंपा है, इसका मतलब सारे सबूत हमारे पास है, पर तुम्हारे आदमी मदद नहीं कर रहे, लगता है कोई नहीं चाहता। जला दो। रुक जाओ, तुम इसे नहीं जला सकते बिना सेनापति लू और कैप्टन चैंग की अनुमति के। तुम्हें पछताना होगा। हाँ? रुक जाओ, तलवारें अंदर रख दो। कैप्टन ये लोग कुछ ज्यादा ही। जो काम वो करो। कैप्टन हराम खोल। कप्तान। लेफ्टिनेंट ही, सेनापति लू ने ये मामला मुझे सौंपा है, तुम नहीं चाहते कि वो हार जाए? शुक्रिया कैप्टन चैन, मैं तो भूल ही गया था, तो मैं चलता हूं, मिलते हैं फिर। सबूत ले लो। जी, जी। तुम किसी काम के नहीं हो। जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। फूल, ताजे ताजे फूल। केको डेमोन को ढूंढने के लिए अब मुझे ही जाना होगा। अरे वाह वाह, पियो पियो, बहुत मजा आएगा। नहीं रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेफ्टिनेंट ही, ये जाम आपके नाम। अरे लो ना। अच्छा अच्छा, चलो चलो पियो, चलो पियो, खत्म कर दो। ऐसे ही होना चाहिए। अरे पियो ना, रुक क्यों गए? नहीं नहीं, पियूंगा पियूंगा। ये कौन है? ये सब क्या चल रहा है? कौन आ गया? पता नहीं, सोने वाला है क्या? चलो चलो पीते हैं।
जरा सुनो, कुछ पीने के लिए लाओ। मो, क्या हुआ? मैंने सुना तुम बांसुरी बजा लेते हो। जी हाँ लेफ्टिनेंट ही। तो इस महफिल में बजाते क्यों नहीं? हाँ, चलो बजाओ। उस दिन सावन मैदान में अच्छा गाना गाया था। कौन सा गाना था वो? क्या तुम्हें याद है? बताओ जरा। क्या था वो? लेफ्टिनेंट ही, मुझे वो गाना नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? ये कैसा रहेगा, एक जाम आपके नाम। अगर नहीं पता है तो पीना होगा। वापस जाओ और गाना सीख कर आओ। हीलू, कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना? लेफ्टिनेंट ईन, मैं साहब को समझा रहा हूं, तुम्हें उससे क्या। ओ, मुझे याद आया, तुम उसके बड़े भाई हो, तो तुम तो बांसुरी बजाना जानते होगे। इस महफिल को सजाने के लिए बजाओ ना, क्या कहते हो? ये भाई साहब आज उस स्थिति में नहीं है, उन्होंने आज सुबह ही एक थप्पड़ खाया है। सही कहा, करारा थप्पड़ था। तुम केवल लड़की जैसे हो, जाओ जाकर बच्चों को दूध पिलाओ। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम एक लड़की हो। क्वीन, नहीं रुको। लड़कियों को मारने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं। हथियार नीचे कर दो। लेफ्टिनेंट ही, वो मेरा भाई है। कर। लेफ्टिनेंट ही। लेफ्टिनेंट ही। लेफ्टिनेंट ही, क्या आप ठीक है? सेनापति लू, क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा? सेनापति लू, उस हादसे के बारे में रहो। शाही सैनिक आपस में लड़ रहे हैं। चेनियन, तुमने हमारे विभाग का नाम बहुत ऊंचा कर दिया। मुझे माफ करना सेनापति लू, मैं अपने काम में नाकामयाब रहा। वादा करता हूं मैं इसे देख लूंगा और लेफ्टिनेंट ही को इंसाफ दिलाऊंगा। क्या कहा? हा? इसमें देखने जैसा है ही क्या कैप्टन? ये तुम्हारे आदमियों ने ही भसड़ मचाई हुई है और इसमें मेरे आदमी जख्मी हुए। ये मैंने नहीं, उसने किया है सेनापति लू। ये शाही सैनिकों की बेइज्जती कर रहा था, इसने पूरे विभाग को गाली दी है। तुम, खैर आपको जो लगे वो कर देना। बिल्कुल, अगर तुम्हें मामला सुलझाने में तकलीफ हो रही है तो मैं अपने पिताजी से कहूंगा कि कमिश्नर जिंग से बात कर लें। हाँ, रुको जरा। लेफ्टिनेंट ही, ये तो बस छोटा सा मामला है, इसमें तुम्हारे पिताजी को लाने की क्या जरूरत। फिक्र मत करो, तुम्हें मैं खुद इंसाफ दिलाऊंगा। यिनकियन, लेफ्टिनेंट क्या हो रहा है? सेना के बड़े अधिकारी और वकील इन लोगों की कर्मचारियों से लड़ाई किस तरह हो गई? नियमों के अनुसार तुम सबको बर्खास्त किया। 3 दिनों में युद्ध मंत्रालय को रिपोर्ट करो। तुम्हें सरों के लिए बर्खास्त किया जाता है। ठीक है, फिर मैं निकल रहा हूं।
बाद में मिलेंगे। चलो जेन्युइन जी, तुम्हें पता है क्या करना है, देख लो। हाँ, मैं संभाल लूंगा, आप चिंता ना कीजिए। कैप्टन चैन, वो हीलू और उसके आदमी थे जो बेवकूफ कहीं के। हीलू के पिताजी कार्य मंत्रालय में मंत्री है, वहां के सारे कामकाज वो ही देखते हैं। तुम्हारे पिताजी कौन है? हाँ, महाराज ने इसके पिताजी को शक्ति चिन्ह दिया है, पूर्वी इलाका भी उनसे पंगा नहीं लेता। तुम उनके बेटे से पंगा मत लेना, समझ गए? बताओ मुझे, आखिर कौन बचाएगा तुम्हें, आखिर कौन? हाँ कैप्टन चैंग, मुझे एक मामला दो जिससे मेरी बेगुनाही साबित हो, अगर हम सारू गए तो कोई नहीं बचेगा। हाँ। कैप्टन, हमें दूसरा मौका दीजिए, दूसरा मौका। दूसरा मौका? अब तुम्हें पता होगा डर किसे कहते हैं। हाँ, तुम्हारा मौका तुम्हारे सामने है, लेकिन वो मौका तुम्हें ही बनाना है। इनमो, तुम्हें अब तक पता कैसे नहीं चला? मैं समझाता हूं, मैं हिलू, मैं केवल लेफ्टिनेंट हूं, मैं पूर्वी इलाके का किन्नर नहीं। सेनापति लू को मुझे इज्जत देनी चाहिए, पता है क्यों? इस पूरे विभाग में तुम्हारी मार्शल आर्ट की जगह तुम्हारा रिश्ता अहम है, अब तुम अपने बड़े भाई को ही ले लो। हा? तुम्हारा भाई तो बहुत विनम्र है और बहुत अच्छा है। हा? और दूसरी बात, वो बहुत शक्तिशाली भी है। तुम्हें पता है उसने वकील क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसे खुद नहीं आती वकालत। अगर तुम वकील बन गए तो तुम मरोगे। एक बार फिर से इस पर सोचना। ये आवाज कैसी है? मुझे लगता है ये पेड़ की है। जाकर देखो। कौन हो तुम और मुझे मारना क्यों चाहते हो? तुम हो ये सेनापति लू का सामान है, जाओ उसे ढूंढो। जी। अगर मुझे मारा तो तुम भी पकड़े जाओगे, एक बार फिर सोच लो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कैद से बचाऊंगा और तुम्हें कैप्टन भी बना दूंगा, क्या कहते हो? बोलो। क्वीन, तुम हो? सेनापति लू कहाँ है? सेनापति,
सुरक्षा सेनापति आ रहे हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। सेनापति लू मर चुके हैं और ये लोग इनुच प्रमुख वेई के गांव वाले हैं और ये लोग बहुत ही गुस्से में हैं। एक सेनापति बेवजह ही मारा गया, आखिर कैसे? हाँ हाँ बताओ तुम दोनों, अगली मौत किसकी होने वाली है, दूसरा सेनापति या कैप्टन? सेनापति की जगह खाली है, सभी लोग उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं किसे जगह मिलती है। आपके अधिकारी हीलू इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। आपके अधिकारी चेन्युआन इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। मैं तो चौंक ही गया ये देखकर कि तुम पुरस्कार का नाम सुनते ही चौकन्ना हो गए। बेहतर यही होगा कि सच बता दो। हाँ हाँ तुम ही। मैं यिन क्विन हूं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुम यिन क्विन हो, ये मामला मैं तुम्हें सौंपता हूं। साहब वो पकड़ा गया है। उसे सारे गुनाहों की कबूली ले लो। क्या कोई तकलीफ है? मैं इस काम को अंजाम देकर ही रहूंगा। तुम लोग जा सकते हो, फिर मिलते हैं। ये जाम आपके लिए। हाँ? धन्यवाद लेफ्टिनेंट येन, यहां पर। चीयर्स। बैठो 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 बैठो। जी लेफ्टिनेंट येन, सेनापति लू अब मर गए हैं और शाही सैनिकों को सेनापति की जरूरत है। मैंने चिट्ठी भेजी है, तुम्हें बर्खास्त करने की चिट्ठी भेजी गई है। अगर मैं नया सेनापति बन गया तो मैं वादा करता हूं कि कप्तान के तौर पर मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम में काफी अदब है, चलो अब। जी शुक्रिया। इस मामले के बारे में मैंने कभी कोई इशारा नहीं दिया है। हाँ मैं समझता हूं। तुम जल्द ही मेरे दामाद बन जाओगे। अब मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बेटी की तस्वीर हटा देनी चाहिए। चिंता मत कीजिए, मैंने उसे सुरक्षित रखा है। कैप्टन बनने के बाद तस्वीर लौटा दूंगा और उससे शादी कर लूंगा। हेलो, वो एक गरम आलू की तरह है, जरा संभल कर नहीं तो हाथ जल जाएगा। जरूर महाराज। अच्छा अपने पिताजी को मेरा प्यार देना। उनकी तरफ से आपका शुक्रिया।
मिस सिंह, ये कपड़े आपने मंगवाए थे। हाँ, क्या आप इन्हें मेरे घर पे पहुंचाएंगे? हाँ जरूर। मिस सिंह संभल कर जाना, फिर मिलते हैं। मिस ऑफिसर, तो आप शाही दरबार के लिए काम करते हो? मेरी सहायता के लिए शुक्रिया, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे कुछ काम है। रुक जाओ चुन, आपने उस दिन जियांग की जान बचाई थी तो इसलिए आपका शुक्रिया। मेरा शुक्रिया? दरअसल मेरे पिताजी आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो क्या इसका मतलब तुम फिर से डूबना चाहती हो समुद्र में? मेरे पिताजी ने मन बदल लिया है, यही मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि मैं मेरी आंखों से समंदर देखूं। मेरे पिताजी आपसे मिलकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमें खुशी होगी अगर आप हमारे यहाँ आएंगे अगले महीने की 3 तारीख को। जरूर 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 जरूर। क्वीन जी, आप? मैं इसका छोटा भाई हूँ। तो फिर तुम्हें भी आना होगा हमारे यहाँ। जरूर मैं आऊंगा, वादा रहा क्वीन। कमिश्नर का आदेश है। कमिश्नर जियांग? आप किस कमिश्नर की बात कर रहे हैं? शाही दरबार के सुरक्षा प्रमुख। वही तो मेरे पिताजी है। क्वीन की तुम हो कमिश्नर जिंग की बेटी? हाँ मैं ही। और ये मेरे पिताजी के साथ तुम्हारी अच्छी बनेगी, जब वक्त मिले तब जरूर मेरे घर आना। आपके निमंत्रण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे जरूरी काम है, इजाजत दीजिए। आपका ये महल वाकई काफी खूबसूरत है। ऐसी कोई बात नहीं क्वीन। मिस सिंह, मिस्टर सिंह प्रार्थनालय में है, आप बाहर जाकर उनका इंतजार कर सकते हो। मिस सिंह, आपके पास ढेर सारे पुरस्कार है, क्या हम देख सकते हैं? करो, तुम वो जगह देख के क्या करोगे? कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। आपका शुक्रिया मिस सिंह। मिस सिंह, आपके पिताजी ने कहा चुन जाओ जाकर आराम करो, लेकिन जाओ ठीक है। शुक्रिया मिस सिंह। इस तरफ। इसे अपना ही घर समझना। शुक्रिया मिस सिंह। शुक्रिया। ये मेरे पिताजी के मनपसंद पुरस्कार है। था अब तक बेटी? पिताजी मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं सोच ही रहा था कि तुम लोग कौन हो, तुम वही हो ना जिसने मेरी बेटी की जान बचाई थी।
पिताजी, इन दो ऑफिसरों को आपका पुरस्कार कमरा देखना था, इसलिए मैं उन्हें यहाँ पर लेकर आई। कोई बात नहीं, वो अहरे गहरे थोड़े हैं। खाना तैयार है, मेहमान कक्ष में आ जाओ, चलो चलते हैं। शुक्रिया महाराज। आओ मेरे साथ। महाराज, वो आपकी तलवार बहुत भव्य है। मुझे वो तलवार किसी ने तोहफे में दी है। मैंने इस तलवार से तकरीबन 4 साल लगातार विजय हासिल की। बहुत पहले की बात है। खैर चलो चलते हैं। महाराज मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। हाँ मुझे भी देर हो रही है, ये मामला फिर कभी सुलझा देना। ये मामला मुझे जल्द से जल्द सुलझाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं चलता हूँ। महाराज मेरा भाई अभी नादान है, उसकी गलतियों को माफ कर दीजिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो नादान है, चलो चलते हैं। शुक्रिया महाराज। येन्मो, येन्मो, येन्मो! इतने क्यों पी है? मैं पूरा तालाब पी गया, मैं पूरा समंदर पी गया। चलो उठो घर चलते हैं। तुमने उसे मारा क्यों नहीं बताओ? तुम पहले से जानते हो, फिर भी तुमने उसे मारा क्यों नहीं बताओ? हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे अकेला छोड़ दो। चलो मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। चलो यहाँ से, मैंने कहा चलो। बेटी। पिताजी आप अभी तक सोए नहीं? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पिताजी उससे शादी करने से मैं मरना पसंद करूंगी। लेकिन बात क्या है वो तो बताओ। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। आप नहीं चाहते आपकी बेटी बेहतर जिंदगी जिए? तुम सच में शादी नहीं करोगी? उससे पहले मैं मर जाऊंगी। ठीक है मैं समझ गया। तुमने सेनापति लू वेन मिन को मारा, तो तुमने जिंग लिरेन को क्यों नहीं मारा? बताओ मुझे, क्या ये सब इसकी वजह से हो रहा है? तुमने पी रखी है। उसकी वजह से क्या तुम अब बदला नहीं लोगे? उसने हमारी बिरादरी को तबाह कर दिया, हमारे 130 लोगों का कत्लेआम हुआ था, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। मैं बदला लूं या नहीं इससे तुम्हें क्या? ठीक है क्विन, जैसा तुम कहो, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, हम कब बदला लेंगे? मैंने कहा ना, तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं। 10 दिन है तुम्हारे पास, 10 दिन में हमें कैसे भी जिंग लिरेन को मारना ही होगा। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने सेनापति लू को मारा है और मैंने ये सब कुछ देखा है, या फिर मुझे चुप कराने के लिए मुझे भी मार दो। येन्मो, येन्मो, 10 दिन।
अच्छा हुआ तुमने मामला संभाला था, नहीं तो पता नहीं कितना समय लगता इसे ढूंढने में। ओह, तो तुम हो लेफ्टिनेंट ही, तुम्हें कोई अधिकार नहीं दूसरों के घर में घुसने का। कई राज है इस पेंटिंग के जो तुम्हें नहीं बता सकता मैं। लेकिन मुझे पता है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। पेंटिंग में जो बताया गया है कि महाराज कैसे मरे, मेरी मानो तो इस सबसे दूर रहो। आपकी तरक्की के लिए बहुत बहुत बधाइयां, कल से आप काम शुरू कर सकते हैं। लगता है तुम कमिश्नर जिंग की अच्छी किताबों में हो। तुम नहीं चाहते ना कि पूर्वी इलाके के किन्नर प्रमुख के सामने मैं पेंटिंग के बारे में कुछ कहूं? बधाइयां कैप्टन इन। क्या तुम जबरदस्ती कर रहे हो? महाराज, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तो केवल याद दिला रहा हूं कि जो मेरा है वो वापस कर दो। ध्यान से, मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करना चाहती और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुमने मुझे ये वादा नहीं किया था? जब किन्नर प्रमुख वही को शाही दूल्हा ढूंढने का अधिकार था, तब आपकी बेटी को वादा किया था कि उसे एक बेहतरीन लड़का मिलेगा। तुम उसे महल में नहीं लाना चाहते थे क्योंकि तुम किन्नर प्रमुख वही से बहुत ज्यादा डरते थे कि कहीं वो पेंटिंग न चुरा ले। और मैंने वैसा ही किया क्योंकि तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मेरी शादी करा दोगे। पर अब तुम मुकर रहे हो, बड़े लोगों की काफी कमजोर याददाश्त होती है। लेफ्टिनेंट हीली, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि यहां से कैसे जाओगे? महाराज, आपकी बेटी की पेंटिंग चुराना उन सारे पेंटिंग्स में से काफी था, लेकिन इस सब से बचने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी नकली पेंटिंग वहां पर रख दी। अगर मेरे पिताजी हैं तो किन्नर प्रमुख वही को बता दो, तुम्हारी बेटी की शक्ल इस पेंटिंग से मिल जाएगी। हेलो, अगर ये बाहर किसी को पता चला तो तुम भी फंस जाओगे। देखो, इस सब के लिए लिन जिम्मेदार था, तो मैं नहीं फंसूंगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये पेंटिंग नकली है, लेकिन मेरे पास जो शक्ति चिन्ह है वो असली है। महाराज, काफी आसान है इसे राज रखना। मुझे कप्तान बना दो, फिर अगले साल सेनापति, और उसके अगले महीने मैं दुल्हन की कीमत दे जाऊंगा। तुम अपनी बेटी की दहेज की तैयारी करो, और ये पेंटिंग तुम रख सकते हो। तुम्हारे 10 दिन
अब पूरे हो गए। तुम्हें काका डेमन का नकाब कहां से मिला? कमिश्नर जिंग ने दिया। जरा पहनो तो। अब पहन भी लो। येनमो, मैंने कहा ना उसे पहन लो। सब कहते हैं पीयू का गणवेश शैतानों के लिए है। मुझे बताओ कि तुम आदमी हो कि शैतान, बताओ। मैं शैतान ही पैदा हुआ था, इंसान कैसे बनूंगा? लेकिन क्यों? मुझे जवाब दो, लेकिन क्यों? क्योंकि शैतान बनना ही पड़ता है ताकि सब इंसान बन सके। मार दो मुझे। ध्यान से सुनो, घर वापस जाओ। इनक्वेन, आज के बाद तुम काका डेमन हो और मेरे परिवार का बदला मैं लूंगा। मैं तुमसे नाता तोड़ रहा हूँ। आज के बाद तुम मेरे भाई नहीं।
क्या सच में इन कियान ने सेनापति लू को मारा था? मैं सच कह रहा हूं। ये गंभीर मामला है, ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? जो अगले महीने रात का पहरा देना है वो मैं दूंगा। जिंग महल के बाहर? हाँ। कोई वजह? कोई वजह नहीं, मुझे रात का काम दीजिए और मैं आपका काम कर दूंगा। यिन क्विन को जरूर सजा मिलेगी। पर मैं तुम पर क्यों यकीन करूं? वो तुम्हारा बड़ा भाई। लेफ्टिनेंट ही, कोई भी सैनिक नहीं रहना चाहता जिंदगी भर। अगर वो महाराज बनना चाहता है तो मैं क्यों नहीं? ठीक है, फिर बाद में तुम जाकर कागजात ले आओ। उनको अच्छा लगेगा कि तुम जैसा कोई रात को पहरा देगा। जी। हाँ बोलिए, सभी लोगों को बुलाओ, हम उस इनक्यान को पकड़ लेंगे। जी। इस बात को राज ही रखना। जी साहब। जाओ, जाकर आराम करो। जी। यिन मो, तुम शाही कारावास के इस रास्ते को जानते हो ना? चलते हैं फिर। कैप्टन यिन, लेफ्टिनेंट ही, कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें दिखाना है, शायद तुम इसे अच्छी तरह जानते हो। मुझे कुछ नहीं देखना, मैं तो बस तुम्हें। अकेला छोड़ दो। लेफ्टिनेंट ही, छोड़ दो हमें। यहां अंधेरा है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। मेरे पिताजी कहां हैं? वो बिल्कुल ठीक हैं, कैद में भी शराब और गोश्त मिल रहा है, तुम उन्हें कुछ ही देर में मिल सकते हो। जिंगलिरेन की हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी के ऊपर अपना हाथ उठाने की? जिंगलिरेन चाहता है तुम्हारे पिता की हत्या एक हादसा लगे, तुम्हारे पिता के जिंदा रहने का कारण मैं हूं। जिंगलिरेन को लगता है तुम्हारे पिता मर गए। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ चाहिए, अगर मुझे मिला तो तुम्हारे पिता सुरक्षित रहेंगे। वो चीज भंडार घर में है। सही कहा। और वो तुम ही थे ना जो भंडार घर में कई बार घुसे थे? वैसे मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ रहा हूं, लगा नहीं था तुम मेरी जान बचाओगे। बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें? मुझे वो कागज चाहिए जब पूरी बिरादरी का कत्लेआम हुआ था। जिंगलिरेन ने उन पर दस्तखत किए थे, ये कागजात अलग कक्ष में सुरक्षित रखे हैं, तुम उन्हें नहीं चुरा पाओगे। और तो और, वारंट पर जिंगलिरेन के दस्तखत लगते हैं, मुझे नहीं लगता किसी को याद भी है। मुझे बुरा लगता है ये सोचकर कि कैसे उन 130 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वो इतनी पुरानी बात है और अब भी हम क्या तुम लुई परिवार के वंशज हो? मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानता, मुझे जो चाहिए वो दे दो। अगर तुमने मदद की तो वादा करता हूं तुम्हारे पिता को कुछ नहीं होने दूंगा।
लेफ्टिनेंट ही, क्या हमें यिन क्वीन को कैद करना चाहिए? लेफ्टिनेंट ही, मेरी गवाही से यिन क्वीन को जरूर फांसी होगी, उनकी बातों में मत आना। लेफ्टिनेंट ही, चलिए चलते हैं। हाँ लेफ्टिनेंट ही, लेफ्टिनेंट, सब कुछ ठीक है? हाँ महाराज, सब ठीक है। मेरी बेटी तुम्हारे बारे में काफी कुछ पूछ रही थी। जी। अच्छा है, उठ जाओ। अब तुम जा सकते हो। जी। कल रात लेफ्टिनेंट ही बंदरगाह में गए थे और आज तुमने उसे बेवजह कैद कर लिया। मुझे पता था दाल में कुछ जरूर काला है। यिनमो, मैंने ये किताब पढ़ ली है। वॉनली काल के 34वें साल में बिंगवू साल लियू क्विजोंग ने कार्यालय लिया और शाही सैनिकों के सुरक्षा प्रमुख बन गए और एक लड़की से शादी कर ली जिसका नाम फेंग था और अपने बेटे का नाम रखा नाम मो। उसकी कोई और औलाद नहीं थी। मेरे पिता की सिर्फ एक ही औलाद थी और वो मैं हूं। आखिर कौन हो तुम? तुमने मेरी जान बचाई और मेरा खून होने से बचा लिया। तुमने मुझे लाशों के ढेर से बाहर निकाला था और तुम मुझे दूसरे शहर में ले गए। जब मैं छोटा था तब मैं खाने के लिए भीख मांगता था। तुमने कहा मेरे बड़े भाई हो और इस बात का मैंने 20 साल यकीन किया। तुमने कभी बदला नहीं लिया क्योंकि तुम्हारे पास बदले में कुछ था ही नहीं। तुमने मुझे 20 साल तक अंधेरे में रखा। 20 साल तक, 20 साल! आखिर तुम हो कौन, बताओ मुझे। मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई माना है। बस करो अभी। और तुम मेरी सुनो यिन क्वीन, तुम चाहे जो भी हो, जिंग लिरेन को मरना ही होगा। कितने बज रहे हैं? महाराज 7 बज रहे हैं। कौन हो तुम? महाराज, मेरे भाई ने पी रखी है और आपके घोड़े को डरा दिया, उसे माफ कर दीजिए। इनकियान, ये गलत चेतावनी है, जल्दी से सो जाओ। जी।
एक दुष्ट ऑफिसर ने कमिश्नर को मारने की कोशिश की। लेकिन क्यों? इसे जेल में डाल दो। इन क्वीन, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। इन क्वीन, मैं तुझे मार दूंगा। मिसिंग। मिस्टर क्यूआन, आपकी दुकान क्यों बंद है? वो आज का दिन समाप्त हुआ। मिसिंग, कैसा रहेगा कल? आप इस वक्त आइए, मैं बाहर जाके ये लगा देता हूँ। कल मिलते हैं। मैं डूबकर मरना चाहती थी और चाहती थी कि नदी मुझे समंदर में बहा ले। मुझे विश्वास है कि वो जगह खुशियों से भरी है। इस बुरे वक्त में मैं बस जिंदा रहना चाहता हूँ। हर एक दिन खुशियों से जीता हूँ। शादी के जोड़े के लिए ये कपड़ा काफी है? पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे इन क्यों से शादी करनी है। पिताजी, अगर तूने मेरी बेटी को धोखा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शुक्रिया महाराज। पता है तुमको यह तलवार पसंद है। तुम्हारे शादी के दिन ये दहेज के तौर पर तुमको भेंट दे दूंगा। शुक्रिया महाराज। शुक्रिया पिताजी। दुआ करता हूं कि लियू परिवार के लोग मेरी सुरक्षा करेंगे।
शादी का वक्त हो चुका है, चलो शादी शुरू कर दो। ऊपर वाले को समर्पित करके परिवार को समर्पित करके। ये दूल्हा डर क्यों गया? क्या हो गया? ये शादी कोशिश कर रहा है, अब शर्मा रहा होगा। पता नहीं क्या हो गया, अरे पता नहीं क्या। देखो तो ऐसा क्या करने लगा? परिवार को समर्पित करके। आखिर चल क्या रहा है? नहीं क्या हो रहा है यार? परिवार को समर्पित करके। पिताजी, महाराज की रक्षा करो। अरे ये क्या हो गया? अरे अरे अरे, ये अरे क्या अचानक हो गया? देखो, ऐसा कैसे? आखिर कौन हो तुम? लॉर्ड कैकोडेमोन, 20 साल पहले ल्यू किजोंग की पूरी बिरादरी को मार दिया। क्या? ल्यू किजोंग की पूरी बिरादरी को मार दिया? इन्होंने? आज सारे हत्यारे यहाँ मौजूद हैं। मैं तुम्हारी सभी यादें ताजा करता हूँ। दरवाजा बंद करो। बचाओ, 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 पिताजी, पिताजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? भाई मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन तुमने हमारी जान बचाई है। हम तुम्हें मरते नहीं देख सकते। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। पिताजी, क्यों क्यों रुक जाओ, दरवाजा खोलो। क्यों रुलोन, मुझे माफ कर देना। पिताजी, पिताजी दरवाजा खोलिए। पिताजी, पिताजी।
पिताजी अरे निकलो, 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 जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी जाओ, बचाओ। लियो, मैंने बदला ले लिया। पूरी तरह से तुम्हारी है। खुश रहो, हमेशा हमेशा। इनकियान, एक बागी को न्याय मिल गया है इनमो के हाथों।
मास्टर लियू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें 20 साल तक झूठ बोला। मैं लियू परिवार के नौकर का बेटा हूँ और तुम लियू जीहोंग की इकलौती औलाद हो। मेरी 4 पीढ़ियों ने तुम्हारे परिवार की सेवा की है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम लियू परिवार के लिए जिए और मर मिटे। मिस्टर लियू, यहाँ से भागो! तुमने कभी बदला नहीं लिया क्योंकि बदला लेने के लिए तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं। मैं 3 साल से चुप इसलिए था क्योंकि मेरे सिर पर खून का कर्जा था, इसलिए मैंने सारे हत्यारों को एक छत के नीचे लाकर मार दिया। मुझे पता है तुम्हारी बदले की भूख क्या चीज है। अब बदले का वक्त आ गया है। ये बदला लेने का वक्त है। जिन लिरेन को मरना होगा। लेकिन इस सब से लियू परिवार को हानि नहीं होनी चाहिए। मेरे पास झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बदला तुम्हारे बस का नहीं। तुम हमेशा इससे दूर रहना। ये सारा मसला मेरी मौत पर खत्म हो जाएगा। तुम अच्छाई और बुराई जानते हो और मैं सिर्फ प्यार और नफरत। बुरे लोगों को अच्छा बनाने से शांति और अमन बना रहता है। रुलोन का अच्छे से ख्याल रखना। इस जीवन में मैं नाकामयाब रहा, शायद अगले जीवन में मैं। अलविदा तुम्हारा भाई।